नमस्कार, सिटी न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है और 24 पब्लिक वॉइस पर भी आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरला मेमोरियल कॉलेज के पास। जो खराब हुई सड़कें, उन पर जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके द्वारा कमल का फूल, अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं या फिर कांग्रेस विरोध कर रही है। और जो सफेदों से विधायक हैं सुभाष गांगोली जी, उनके द्वारा जो खराब हुई सड़कें हैं उन पर कमल का फूल खिलाने का जो कार्य किया जा रहा है सुभाष गांगोली, और यहाँ ये कॉलेज है सरला मेमोरियल कॉलेज, और उसके द्वारा यहाँ पर यहाँ सफेदों पर, सफेदों के सरला मेमोरियल कॉलेज के ठीक सामने वो पहुंचे हुए हैं और यहाँ कमल का फूल लेकर के जो खराब हुई सड़कें हैं उन पर बीच में लगाने का कार्य किया जा रहा है। और ये देखिए, और ये है सफेदों के विधायक। इनके अलावा अगर मैं बात करूं सफेदों से पालेराम राठी, वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, और जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। और मैं दिखाना चाहूंगा ठीक सरला मेमोरियल कॉलेज, और ये देखिए यहाँ इस प्रकार से जो सड़कों की हालात, उसी को लेकर के कमल खिलाने की पहल कांग्रेस सरकार के द्वारा की जा रही है। सफेदों के विधायक सुभाष गांगुली जी, और सर कीचड़ में इधर आ जाओ, जो कि इसके सामने आ जाओ, और ये देखिए ये कमल के जो फूल हैं विधायक के द्वारा, और जो कांग्रेस आशीष सिल्लाखेड़ी से, रणबीर भुसलाना से हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए। भाई साहब इधर आ जाओ जी, इधर आ जाओ जी, हाँ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मेरे पत्रकार महोदय, ये कमल के फूल हैं, ये कमल की फूल की सरकार है, और ये कहती है कि हमारा कमल का फूल विकास पर उगता है। और ये आप इस पूरे सफेदों विधानसभा क्षेत्र में जहाँ जहाँ हम गए हैं, ये कमल का फूल हमने गड्ढों में उगाने का काम किया है और सरकार को दिखाने का काम किया है। ये कमल का फूल की सरकार ये कहती थी कि हम विकास के ऊपर कमल का फूल खिलाएंगे, ये तो सफेदों के सड़कों के गड्ढों में कमल के फूल उगे हुए हैं। एक चीज जरूर हमें अच्छी लगी है, जो मतलब वे कमल के फूल के बारे में ये कहा जाता था कि ये गंध में फैलता, गंध में बहुत ज्यादा उगता है, तो जैसे ही हम पौधा लगाते हैं 5 मिनट में 3 इंच बढ़ जाता है। तो ये तो जनता से एक भारी गलती हुई है, सफेदों की जनता से तो मैं गलती नहीं मान सकता, लेकिन हरियाणा की जनता से एक गलती हुई है। जो गंदगी में फैलने वाला और गंद फैलाने वाला जो फूल था, उसकी सरकार को लोगों ने चुना, आज हम उसी का खामियाजा भुगत रहे। विधायक जी, सरकार दावा करती है बेटियों को पढ़ाइएगा, बेटियों को आगे बढ़ाइएगा, लेकिन पढ़ने के रास्ते ही ऐसे हैं, तो ऐसे में आप भी हम कॉलेज के सामने अब जो खड़े हैं, और आप भी उसी रास्ते से चल के आए हैं, और मैं भी उसी रास्ते से चल के आया हूँ। क्या मैंने जो बस लगाई हुई है बस स्टैंड से, या मतलब शहर की बच्चियों को यहाँ लाने के लिए, क्या वो बस इस रास्ते से आ सकती है क्या? बिल्कुल। तो जब वो बस तक भी नहीं आ सकती, लड़कियां कैसे आएंगी? मैंने तो एक गर्ल कॉलेज से लग के मैंने एक ट्रस्ट बना के इस बस स्टैंड से गर्ल कॉलेज तक लड़कियों को लाने की व्यवस्था की थी, लेकिन आज हमारी उन बेटियों के लिए वो बस भी ऐसा हो गई है, क्योंकि वो इस कच्ची सड़क के ऊपर से जब बरसात हो जाती है तो कॉलेज तक नहीं पहुंच पाती। तो मैं सरकार को निवेदन करना चाहता हूं, वो बस तो कहां लगाने वाली थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार, लड़कियों के लिए, हमारी बेटियों के लिए
जो कॉलेज में आने का रास्ता है उसको भी ठीक नहीं कर सकती। इसको इस चुड़ू भर पानी में जहाँ ये कमल का फूल गिरा हुआ है, तो इस सरकार ने इसके अंदर डूब के मर जाना चाहिए। मैं तो यही मतलब उनसे आशा करता हूँ। चार महीने पहले जिला अध्यक्ष आए थे जेजेपी के, वो कहते थे दो महीने के अंदर सड़क बन जाएगी, ऐसे में अब तक भी कोई विकास कार्य नहीं हो पाया यहाँ का, अगर बात की जाए क्या कहेंगे? अरे उप मुख्यमंत्री जी ने अभी एक उद्घाटन किया 70 सड़कों के जींद में, और बड़ी शर्म की बात है उनके लिए, उन 70 सड़कों में जिले की जो 70 सड़कें थी एक सड़क भी सफीदों की नहीं थी। क्या मानते हैं आपका विपक्ष का जैसे विरोध कर रहा है? हाँ, वो सफीदों को इस बात की सजा देने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि भाई सफीदों की जनता ने विपक्ष का विधायक क्यों चुना। ना तो विपक्ष का विधायक इतना कमज़ोर है और ना सफीदों की जनता इतनी कमज़ोर है। यदि सरकार आपके माध्यम से कहते हैं भाई सरकार चेत जाए, यदि यह सरकार यहाँ भी इन बातों से भी ना चेती तो विधानसभा के सेशन में इन मुद्दों को उठाएंगे, और यदि विधानसभा के सेशन में जो सरकार आश्वासन देगी उसके बाद भी जो सरकार ने काम नहीं किया, इतने कमज़ोर सफीदों की जनता नहीं है, ना ही सफीदों का विधायक इतना कमज़ोर है, तो वो 22 तारीख तक है लगभग, एक दो दिन आगा पीछा भी हो जाता है, तो उसके बाद फिर हम यदि सरकार ने हमें आश्वासन नहीं दिया और ज़मीन पर आके इस काम को ना करने का काम किया, हम इस रोड को जाम करेंगे और तब तक वो धरना जारी रहेगा जब तक सरकार मतलब हमारी मांगों को नहीं मान लेगी। सरकार को गलतफहमी है, ना तो हमें कमजोर माने, ना सफीदों की जनता को कमजोर माने। विधायक जी, सफीदों की जनता में एक आम चर्चा है, बहुत दिनों से काफी चर्चा चल रही है कि सुभाष वगैरह विधायक बनने के बाद जनता के बीच में दिखाई नहीं देते और हमने उनका विधायक बना के गलत कर बैठे हैं, उन जनता से क्या कहना चाहेंगे? आम चर्चा है ये, आम चर्चा हो सकता है मेरे किसी साथी ने को ना मैं मिल पाया हूँ, बीच में कोरोना काल भी था, लेकिन जितना विधायक घूमता है मैं उससे कम, मैं अब इस विपरीत परिस्थितियों में भी कम नहीं घूमता, मैं खूब घूमता हूँ, लेकिन मेरे जिस साथी की शिकायत है उसकी शिकायत दूर करूँगा। दो तारीख को जो सत्र आने वाला है उसमें आपके इस प्रदर्शन के बाद सड़कों का तो खस्ता हालात ऐसा है जी, जो ये सड़क है अपनी पानीपत सफीदों, जो ये ताई 2018-19 में पास हुई थी और अब 22 आ गया है, इस पर ना कुछ भी लगे, इस पर तो खान का काम होया है, धूल उठ रही है, खड्डे हो गए हैं, लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है, बुरा हाल मचा हुआ है। जो सफीद जींद डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जो जेजेपी बीजेपी गठबंधन की सरकार है, दोनों के जिला अध्यक्ष सफीदों से हैं, लेकिन इस दोनों के होने के बावजूद भी मतलब ना सफीदों में एक नई ईट नई कंकर ईट का डालने का भी काम नहीं किया जा रहा है, सिर्फ खाने में लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया, गुंडागर्दी बढ़ रही है, और ये सिर्फ वही काम करते हैं जहाँ इनका 2 रुपये बनते हैं, इसके सिवाय इनके पल्ले कुछ नहीं है। हम तो आपके माध्यम से अपील करते हैं भाई, इनको कम से कम इन सड़कों का, सार्वजनिक संस्थाएं हुई जैसे हॉस्पिटल हुई, ठीक है, इनका ध्यान आपके माध्यम से अगर इसका आवाज़ को उठाओ, अगर इस सरकार इसके तरफ देखे तो सफीदों की जनता का भला हो जाएगा। सरकार तो कहते हैं कि हमने 35 करोड़ रुपए सफीदों की जनता को दिए हैं। 35 करोड़ में था जी, मैं बताऊं आपने, जो 35 करोड़ की बात हुई है, मैं भी उसी के नीचे रहता हूं जहां से वो 35 करोड़ लगे हैं, ठीक है, उस 35 करोड़ में से मेरे को लगता 15 करोड़ भी ठीक ढंग से लगे होंगे, खा गए जी सब, लूट लूट के भाज गए, ठीक है, इवन में तो कुछ भाई दोबारा फिर उसमें प्रधानी के उसमें खड़े हैं, ठीक है, ये सफीदों की जनता सब अच्छी तरह जाना है, ठीक है। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहूंगा जी, कम से कम ये जो अपना रोड है, जो सफीदों पानीपत खान सर मोड़ से लेके वहां तक, ये सफीदों की ये समझ लो आप रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। बीजेपी के उनके बारे में क्या कहेंगे जो दावे करते हैं सीएम तक उनकी पहुंच है, सीएम कार्यालय कुछ नहीं जी, उनके पल्ले कुछ नहीं है, मेरे को तो लगता नहीं, अगर होता तो ये रोड तो बनी जाता कम से कम, वो तो दावे में रह लिए, ठीक है, मेरे को नहीं लगता है सफीदों का मतलब, विधायक जी जो कांग्रेस से बने हुए हैं ये पुरजोर तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं, ठीक है, अभी इन्होंने आश्वासन भी दिया है कि मतलब हम धरना भी देंगे अगर इनका समाधान ना हुआ। जो स्थानीय नेता है वो तो अगर कभी कभी मतलब अगर अपने माननीय सांसद रमेश कौशिक जी अपना सफीदों का दौरा करते हैं, बस उनके साथ नजर आ जाते हैं, कोई पार्टी प्रोग्राम होता उसमें नजर आ जाते हैं, वैसे जनता की समस्याओं को सुनने के लिए कोई भी सामने नहीं आता, ना उनका समाधान करता, बुरा हाल हो चुका है बिल्कुल। और मैं बात करना चाहूंगा, रामकरण जी हैं सर, बता दे। ऐसा है जी, देखो ये सामाजिक कार्य सबको पड़े दिखाई दे रहे हैं, सरकार ने इनका ध्यान देना चाहिए, यहाँ
कॉलेज है लड़कियों का, इनको असुविधा हो रही है। खानसर मोड़ पे, खानसर रोड से पानीपत रोड जो है बुरा हाल है, लोगों को दमा तक होने की वहाँ शिकायतें हैं और छिट्टे तक लगते हैं। मतलब इतने दिन से 6-7 साल से हम देख रहे हैं जैसे था वैसे ही पड़ा है। सरकार कहाँ सो रही है? इस सफीदों को बिल्कुल एक सोतेला व्यवहार सरकार कर रही है। ये सरकार की गलती है, सरकार को जागना चाहिए और विकास कार्य सफीदों में भी करवाने चाहिए जो कि पड़े दिखाई दे रहे। और अभी अभी ये पता लगा कि काफ़ी करोड़ों रुपया यहाँ आया हुआ, उसमें से काफ़ी लगया दिखा दिया। अब खानसर मोड़ तो जो है सारा ही नदी तक जो रोड है वो बिल्कुल ही बेकार पड़ा है, वहाँ कहीं पैसा लगया तो दिखाई नहीं दे रहा। अगर लग चुके हैं कागजों में तो वो कागजी कार्रवाई है सिर्फ, कहीं मतलब उसमें प्रैक्टिकल में कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। तो ध्यान देना चाहिए सरकार को, बिल्कुल सोतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए स्पीडों के साथ और यहाँ भी विकास कार्य करवाए जाने चाहिए। सरकार तो कह रही है कि जी हम 4 लाइन निकालेंगे यहाँ से, कह रही है ना, कह तो 6-7 साल से रहे, हम तो सुन रहे हैं, निकल तो नहीं रही, बिल्कुल कह रही है, लेकिन कुछ उस बात के ऊपर अनुसरण तो नहीं हो रहा उस कहे का। बिल्कुल जैसे का काम था वैसे, जैसे का जैसा पड़े। पिछले काल में 3500 रुपए स्पीडों के विकास के लिए आए, लेकिन विकास के लिए आप क्या कहेंगे यहाँ पर? बिल्कुल, और जो यहाँ पर विधायक हैं और कांग्रेस के विधायक हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और जो ये कमल के फूल जो खिलाए जा रहे हैं, देखिए जहाँ पर सड़कों की दुर्दशा खराब है उसी को लेकर के सफीदों के जो विधायक हैं वो पहुंचे हैं। सरला मेमोरियल कॉलेज सफीदों का है, और रोड की व्यवस्था की मैं बात करूं, ये रोड ये देखिए, यहाँ पर वाहन तो दूर की बात, यहाँ से पैदल गुजरना जो है वो मुश्किल हो गया है। तो आप सभी से अनुरोध कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, और इस खबर को जनता तक पहुंचाने में सहयोग करें ताकि लोगों को पता चल सके आखिर सफीदों के साथ सोतेला व्यवहार क्यों। तो बने रहें सिटी न्यूज़ के साथ और एक नई खबर के साथ आपके सम्मुख फिर हाजिर होते हैं एक नई खबर लेकर के। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।